बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम नेट में ही सेकंड लेक्चर, ये क्या जा रहा है, ऊपर ही रखना पड़ेगा, ये हिल रहा है। अच्छा जी, पिछले लेक्चर में जो हमने वो आपने वीडियो देखी होगी, तो उसमें हमने टर्मिनोलॉजीज और बेसिक एनाटॉमी की डेफिनेशन वो कवर की थी। इसमें है बोन मूवमेंट्स, बोन मूवमेंट की कुछ टर्म्स हैं, ये 12 जो है ना बोन मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। इसमें है फ्लेक्शन, फ्लेक्शन जो है ना आपकी द एंगल बिटवीन योर आर्म एंड द जॉइंट, अगर आपका ये है, ये आपका एक्सटेंशन है, इसका जो एंगल है आपके वो ये जो है आपका जॉइंट है और ये आर्म है, इसके दरमियान अगर एंगल इंक्रीज़ होता है उसे हम फ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि जो बुक है उसमें ये गिवन है, ये देखें, ये जो आपका एंगल है ये स्ट्रेट, अगर आपने हैंड की पोजीशन ये है, स्ट्रेट है, तो इसमें जो आपका एंगल है बिटवीन योर हैंड एंड द जॉइंट वो इंक्रीज़ होता है। आपका ये जॉइंट है और ये हैंड है, तो इसके दरमियान जो एंगल है अगर वो इंक्रीज़ होता है उसे आप कहते हैं एक्सटेंशन। लेकिन अगर आप अपने हाथ को पोजीशन में टर्न करते हैं, ये पोजीशन आप इस तरफ लेके आते हैं, जॉइंट की तरफ लेके आते हैं, तो इसे कहते हैं आप फ्लेक्शन, जिसमें आपका एंगल, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट एंगल 180 का होता है, ये आपका एक्सटेंडेड पोजीशन है और इसमें आपका जो जॉइंट है और आपका जो आर्म है उसके दरमियान एंगल इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसे जैसे कि अल्फाज से ज़ाहिर है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब है बढ़ना। तो आपका जो एंगल है आपके जॉइंट के दरमियान और आर्म के दरमियान अगर वो बढ़ता है तो उसे आप कहते हैं एक्सटेंशन, और अगर वो डिक्रीज़ होता है तो उसे आप कहते हैं फ्लेक्शन। ठीक है, अगर आप यूँ पोजीशन है जैसे इसने बताया गया है, ये आपका आर्म है और ये आपका जॉइंट है, ये और ये, अगर वो आप इसको इस पोजीशन में, हाथ को इस पोजीशन में लेके आते हैं तो वो क्या कहलाता है, फ्लेक्शन। क्लियर है ये? अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट टर्म है एबडक्शन और एडक्शन। अगर आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, आपके जो आर्म है या आपकी लेग है, लेग की मूवमेंट और आर्म की मूवमेंट एबडक्शन, अगर आप अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, लास्ट उसमें हमने जिक्र किया था कि आपके बॉडी पार्ट्स को अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, आपका बॉडी पार्ट है ये मीडियल लाइन है आपकी ना बॉडी की, ये आपके लिम्स हैं, अपर लिम्स एंड द लोअर लिम्स, अगर आपके लिम्स की मूवमेंट टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, एबडक्शन। मूवमेंट ऑफ द लिम्स, इसमें हाथ भी है और पाँव भी शामिल है, ये मीडियल लाइन से अगर इस तरफ आपकी मूवमेंट बढ़ती है तो उसे हम कहेंगे एबडक्शन, और अगर आपके जो लिम्स हैं वो टूवर्ड्स द मीडियल लाइन हो, उनकी मूवमेंट टूवर्ड्स द मीडियल लाइन, पाँव हाथ की मूवमेंट जो है ना वो आपकी इस तरफ हो, ये आपके जो है ना वो मूवमेंट हो मीडियल लाइन की तरफ, उसे हम कहेंगे एडक्शन। क्लियर है? इसी तरह से ये देखें, ये पिक्चर में बताया गया है कि आपके जो लिम्स हैं इनके मूवमेंट टूवर्ड्स द मीडियल लाइन, उसे हम कहते हैं एडक्शन, और अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन इसे हम कहते हैं एबडक्शन। ठीक है, प्रोनेशन एंड द सुपाइनेशन, आपके मूवमेंट ऑफ द हैंड व्हेन द पाम इज़ फेसिंग डाउनवर्ड, इसे हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ द आर्म व्हेन पाम इज़ फेसिंग, ये आपकी हथेली है, पाम कहते हैं हथेली को, अगर आपके मूवमेंट ऑफ द आर्म व्हेन द पाम इज़ फेसिंग डाउनवर्ड, इसे हम कहते हैं प्रोनेशन। ठीक है जी, एंड द पाम इज़ फेसिंग अपवर्ड, इसे कहते हैं सुपाइनेशन। मतलब इन इन टर्म्स को आप जो है ना ऑपोजिट, एक टर्म आप याद करेंगे सेकंड उसकी ऑपोजिट है, वो आपको एक टर्म आप याद करेंगे दूसरी आपकी ऑपोजिट करने से वो आपको रिमेंबर होगी। जैसे ये एग्जांपल दिखाई है, प्रोनेशन है, प्रोनेशन का मतलब है आपकी पाम जो है ना वो आपके हैंड की मूवमेंट, जब आपकी जो हथेली है वो डाउनवर्ड पोजिशन में है तो उसे हम कहते हैं प्रोनेशन, और आपके हाथों की मूवमेंट जब आपकी पाम अपवर्ड पोजीशन में है, ऊपर की तरफ है, उसे हम कहते हैं सुपाइनेशन। एलिवेशन एंड डिप्रेशन, जब आपके बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट ऊपर की तरफ, जैसे ये मूवमेंट्स कैसे कहाँ यूज़ होती हैं, ये टर्मिनोलॉजीज डायग्नोसिस में, एट द टाइम ऑफ फिज़िकल एग्जामिनेशन,
जैसे अगर फ्रैक्चर है उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने एलिवेट पोजीशन में रखना है, आपका पांव आपने मूवमेंट नहीं करनी है कि ये जो है ना फिक्स हो जाए, कोई फ्रैक्चर हो गया है, ये आपका जो है बॉडी पार्ट जो है आपने एलिवेटेड पोजीशन में रखना है, तो उसे इसलिए ये टर्म है एलिवेशन। इस तरह से टर्म वहाँ पे इन डायग्नोसिस एंड इन द जो है ना थेरेपी एंड इन द क्योर या फिर आप इंस्ट्रक्शन के तौर पे जो है ना वो बताते हैं एलिवेशन बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट ऊपर की तरफ, एलिवेशन डिप्रेशन बॉडी पार्ट्स मूवमेंट्स एट द लोअर साइड इज कॉल्ड द डिप्रेशन। अच्छा जी, इवर्जन इन्वर्जन एंड इवर्जन। सोल जो है आपके जो ये है पाँव है इसकी जो सोल की जो आपका ये है सोल है, क्या कहेंगे उर्दू में सोल को, तलवा। सोल ये जो है आपका ये जो पार्ट है आपका बैक पार्ट ना, एड़ी, एड़ी सोल है एड़ी, ठीक है। जब आपकी एड़ी की मूवमेंट टूवर्ड्स द मीडियल लाइन होगी तो उसे हम कहेंगे इन्वर्जन, ठीक है जी। और जब आपकी एड़ी की मूवमेंट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन होगी तो उसे हम कहेंगे इवर्जन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द सोल टूवर्ड्स द मीडियल लाइन इज इन्वर्जन एंड मूवमेंट ऑफ द सोल अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन इज कॉल्ड द इवर्जन, ठीक है जी। प्लांटर फ्लेक्शन एंड डोर्सीफ्लेक्शन, अच्छा, जिसमें आपका प्लांटर आपका ये लेग है ये पाँव है, जिसमें आप अगर ये जो पाँव है इसकी पोजीशन ये आपकी लेग है और ये पाँव है, अगर आप इसके और इसके दरमियान जो है ना एंगल इंक्रीज़ होता है, डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। और अगर आप ये पाँव है पाँव की पोजीशन ये हो और ये आपका पाँव की तरफ इसका रुख है तो इसे हम क्या कहते हैं डोर्सीफ्लेक्शन, ठीक है जी। ये वजाहें तो मुश्किल लग रही होंगी लेकिन आप एक दफ़ा दो दफ़ा रीड करेंगे तो ये आपको बड़ी इजीली रिमेंबर हो जाएंगे। और एमसीक्यूज टाइप वो इस तरह से आना है कि उसमें आपके एक टर्म है उसे डिफ़ाइन किया होगा, मल्टीपल चॉइस में उन्हें ऑप्शन दिया होता है कि अगर हम ये टर्म यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड दिस दिस, तो इस तरह से आपको ये डेफिनेशन बहुत ही ज़रूरी है कि आप इन्हें याद करें। क्लियर है यहाँ से, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, अब हम सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी जो है ना वो क्या होती है कि आपकी जो बॉडी है फिज़िकल बॉडी है उसकी आपने सरफेस एनाटमी के आपका बॉडी पार्ट है, जैसे अपीयर नज़र आ रहा है कि आपका हेड है, आइस हैं, या आइस के आप कहें कि एट द बैक ऑफ द आई विच पार्ट इज़ एग्जिस्टिंग इन द ब्रेन, या फिर जो है ना आप कह लें कि आपके अपर लिम्स हैं लोअर लिम्स हैं। अब उनकी सरफेस एनाटमी, सरफेस एनाटमी किस लिए होती है ज़रूरी है पढ़ना, ताकि फिज़िकल एग्जामिनेशन है उसमें इस टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उसमें हेल्प मिल सके, ठीक है जी। अब जैसे आज हम जो फिज़िकल एनाटमी है उसमें हम एनाटमी ऑफ द लिम्स, टू पार्ट्स हैं एनाटमी ऑफ द लिम्स, अपर पार्ट अपर लिम्स एंड द लोअर लिम्स। अपर लिम्स में आपके पास हैं फोर आर्म, आर्म एंड द हैंड। अब इस एनाटमी में जैसे कि आपको पता है एनाटमी में हम उसकी जो भी डिटेल स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करते हैं। फोर आर्म है, फोर आर्म में सबसे पहले अपर लिम को आपने डिवाइड किया, फोर आर्म आपका ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये फोर आर्म कहलाता है, ये पार्ट आपका आर्म कहलाता है, और आपका ये जो हथेली है और ये आपका कहता है हैंड्स कहलाता है, ठीक है जी। अब फोर आर्म में पढ़ना क्या है, जो सबसे जो लॉन्गर बोन है आपकी बॉडी की फोर आर्म में वो कहलाती है ह्यूमरस। ह्यूमरस इज द लॉन्गर बोन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कैपुला एंड एंड्स एट द जॉइंट, ठीक है जी। आपके उसमें जो सब ये जो आपके यहाँ से यहाँ तक जो बोन है वो क्या कहलाती है ह्यूमरस कहलाती है, ठीक है जी। इसके बाद ये आपकी स्कैपुला, स्कैपुला आपका जॉइंट है, ये वहाँ से स्टार्ट होती है और आपके जॉइंट पे एंड होती है। इसके बाद है आर्म, आर्म में आपकी फर्दर जो है ना दो तरह की वो पाई जाती हैं, रेडियस एंड द अल्ना, ठीक है। एक आपकी रेडियस बोन है और एक आपकी अल्ना बोन है।
एग्ज़ाम में किस तरह से जो आप ये आपके लिए किस तरह हेल्पफुल है, एग्ज़ाम में आपको सब क्वेश्चन आए डिस्क्राइब द अनेटमी ऑफ द अपर लिम्स, तो आपने ये तीन पार्ट्स हैं ये डिफ़ाइन करने हैं और फर्दर जो है ना इनके बोन स्ट्रक्चर जो है ना उसे डिफ़ाइन कर देना है और ये थोड़ा सा देना है कि अपर लिम जो है ना किस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे एंड होता है और कितने पार्ट्स हैं, फर्दर इनकी बोन्स जो है ना किस तरह डिवाइडेड है, रेडियस एंड द अल्ना, ठीक है। रेडियस के ऑपोजिट जो आपकी पाई जाती है वो क्या है, अल्ना कहलाती है। हैंड्स हैं, हैंड्स में आपके फर्दर थ्री बोन्स हैं, यहाँ से कहीं ऊपर करूँ उसको लिख दूँ, हैंड्स में फर्दर आपके थ्री पार्ट्स हैं, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेगन्स, ठीक है जी। इसमें आपके पांच कार्पल्स हैं, थ्री मेटाकार्पल्स हैं एंड 14 फेलेगन्स हैं, ठीक है जी। जो हैंड्स हैं आपकी उसमें बोन्स जो है ना वो इस तरह से डिवाइडेड हैं, पांच कार्पल्स हैं, पांच कार्पल्स, जैसे ये आपका हैंड है 1 2 3 4 5, ये पांच मेटाकार ये हैं यहाँ पे, ठीक है जी। फर्दर जो है ना आपके मेटाकार्पल्स और फिर इसके साथ ये वाले यहाँ मिला के जो बॉन्स बनाती हैं टोटल वो 14 होती हैं और ये जो है ना 3 यहाँ पे अवेलेबल मेटाकार्पल्स। यहाँ तक तो क्लियर है, सो सिंपल है ये, बड़ा मैंने इसमें जो है ना बड़ा ही शॉर्टली एक्सप्लेन किया। इसी तरह से मेरे ख्याल से ये अच्छा सॉरी ये है, ये 5 है, ये 5 है, ये 8 है, 8 कार्पल्स हैं, 5 मेटाकार्पल्स हैं, क्योंकि आपकी 5 फिंगर्स हैं ना ये 5 ही मेटाकार्पल्स होंगे। हैंड में भी आपके सेम हैं और लेग के लिए भी ना 5 मेटाकार्पल्स, क्योंकि 5 आपके वो हैं और 8 कार्पल्स हैं, 14 फेलेगन्स दोनों में सेम है, आपकी हैंड में भी और आपके फुट में भी। अच्छा अब है लोअर लिम, लोअर लिम में आपकी इज़ डिवाइडेड इनटू थाई, लेग एंड द फुट, ठीक है। थाई में जो आपकी सबसे जो लॉन्गर बोन है जो कि आपके हिप जॉइंट से पेल्विक रीजन से स्टार्ट होती है, थाई इसको कैसे एक्सप्लेन करें, इट स्टार्ट फ्रॉम द पेल्विक रीजन एंड एड्स एंड द नी जॉइंट, ठीक है। इसमें जो आपकी सबसे लॉन्गर बोन है वो कौन सी कहलाती है, फीमर। आप इसको कंपैरेटिव अगर स्टडी करेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा कि आपका जो फोर आर्म है उसमें सबसे लॉन्गर बोन कौन सी थी, ह्यूमरस, ठीक है। इसके कंपैरेटिव में आपका जो लोअर लिम है उसमें आपकी जो थाई है उसमें सबसे जो लॉन्गर बोन है वो कौन सी है, फीमर, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आप लेग पे आ जाएं, जैसे रेडियस एंड अल्ना, आपके हैंड में रेडियस और अल्ना टू मेजर बोन्स हैं, इसी तरह से लेग इज़ आल्सो कंसिस्टिंग ऑफ द टू मेजर बोन्स विच आर टीबिया एंड फिब्यूला। टीबिया इज़ अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, ये ज़रा लॉन्गर बोन होती है, एंड फिब्यूला इज़ नियर टू द मीडियल लाइन, ठीक है जी। टीबिया इज़ अवे फ्रॉम द ये नियरर है, बल्कि नियरर फ्रॉम द मीडियल लाइन, और फिब्यूला इज़ अवे फ्रॉम द मतलब ये एक्सटर्नली है, ये बैरूनी तरफ है और ये अंदरूनी तरफ है, इसी तरह से फुट है, फुट में भी आपके फुट इज़ आल्सो टार्सल्स, उसमें कार्पल्स थे इसमें आपके टार्सल है, जो फुट में बोन इसमें मेटाकार्पल्स और फेलेगन्स। सेवन टार्सल्स हैं, 5 मेटाकार्पल्स हैं एंड 14 फेलेगन्स।
पहला कौन सा है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? आप लोग बताएं क्लियर है? इसमें कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है, सो सिंपल। और कंपैरिजन में आपने याद करना है कि आप जो है ना हैंड और ये एक कॉलम में आप ये लिखें, इसके पार्ट्स लिखें एक कॉलम में, आप जो है ना इसके इंशाल्लाह जो नोट्स बनाएंगे ना फिर उसमें इसी तरह से मैं ख़ुद से डिवाइड करके एक टेबुलर फॉर्म में जो है ना आपको दे देंगे, वो आपको ईजी होगा याद करना। और बहुत डिटेल आपको नहीं चाहिए, लिमिटेड जो है ना डेफिनेशन हो गई आपका, जो सरफेस एनाटॉमी है वो आपको पता चल गई है, ये आपके याद हों। अच्छा जी, अब है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ द 33 बोन्स। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? इज़ द बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम इज़ द बैकबोन जो कि आपकी जो बॉडी है उसे सपोर्ट करता है, मूवमेंट में हेल्पफुल होता है और फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपका गर्दन का एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करना वो भी आपका वर्टिब्रल कॉलम की हेल्प से ही होता है, जिसमें आपके सबसे पहले जो कॉलम है इस कंसिस्टिंग ऑफ द 7 रीजन्स। जो फर्स्ट कॉलम है आपका वो आपका सर्वाइकल कॉलम कहलाता है और इसका मेनली फंक्शन जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी है C1, इसे कहते हैं हम सर्वाइकल कॉलम। एग्जाम में भी अगर आपसे पूछा जाए सर्वाइकल कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मैनी कॉलम्स, ना हाउ मैनी रीजन्स आर प्रेजेंट इन द सर्वाइकल कॉलम, तो C1 to C7 जो है ना आपके सर्वाइकल कॉलम 1, 2, 3, 4 जो है ना आपके सर्वाइकल कॉलम है। इसका मेनली फंक्शन ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है। आप अगर बेंड पोजिशन में नीचे की तरफ मूव करते हैं या आप वो देख रहे हैं एक तरफ दूसरे तरफ, वो आपका सर्वाइकल कॉलम की हेल्प से आप देख पा रहे हैं। सेकंड जो है आपका थोरेसिक कॉलम है T1 से T12 कंसिस्टिंग ऑफ द 12 थोरेसिक रीजन्स। कॉलम भी कह सकते हैं इन्हें, आप रीजन्स भी कह सकते हैं। ये भी आपका जो है ना वो सपोर्ट के तौर पे यूज़ होता है। थर्ड इज़ द लंबर कॉलम। लंबर कॉलम जो है ना वो आपका ज़्यादा लार्जर बोन्स पे मुश्तमिल होता है। जैसे जैसे आपका कॉलम जो है नीचे की तरफ आता है तो उसमें आपके टिश्यूज़ और आपका जो रीजन है ना वो थोड़ा ब्रॉड होता चला जाता है, तो लंबर कॉलम जो है ना वो ज़्यादा लार्जर बोन्स पे मुश्तमिल होता है। और ये इसमें जो है ना आपके जो बैकेज के ज़्यादातर मसल्स हैं वो इसी से अटैच होते हैं लंबर कॉलम से। तमाम ये जो कॉलम है फिर वो एंड होके 5 बोन्स पे मुश्तमिल होता है, सैक्रम रीजन के रहता है, वो आ जाता है आपका 5 स्मॉल बोन्स पे मुश्तमिल होके, वो एंड होता है कॉक्सिक रीजन पे जो कि कहलाती है ये वाला रीजन। ये रीजन जो है ना वो एक, इसे हम कहते हैं टेल कॉलम। कॉक्सिक रीजन को आप टेल कॉलम भी कहते हैं क्योंकि आपके 5 स्मॉल जो बोन है ये लार्जर होते हुए आपका जो कॉलम है यूँ स्टार्ट फिर लार्जर कॉलम की तरफ, लार्जर कॉलम जो है ना आपका सैक्रम रीजन, 5 स्मॉल सैक्रम रीजन्स जो है ना वो मिला के कॉक्सिक रीजन, कॉक्सिक रीजन के बाद जो है ना एक टेल, तो ये जो है ना इसीलिए से टेल कॉलम भी कहा जाता है, टेल रीजन। ये एक टेल की नुमा बनाती हैं और यहाँ पे आपका कॉक्सिक रीजन पे जो है ना आपका एंड होता है, फिर पेल्विक रीजन स्टार्ट होती है। ये हमारा आज का लेक्चर वर्टिब्रल कॉलम एंड था। कितने मिनट